वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं मौलिक सिद्धांत का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ताच्छिल्य। ताच्छिल्य क्या होते हैं इसके बारे में यदि बात करें तो इनकी संख्या पहले पता होनी चाहिए। कितनी होती है संख्या? ताच्छिल्यों की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। पहले यह याद होना चाहिए कि ताच्छिल्य कितने होते हैं? 17 होते हैं। जैसे कि अपन ने याद रखा था कल्पना कितनी होती है? 7 कल्पनाएं बताई थी अरुण दत्त ने, है ना। उसी प्रकार ताच्छिल्य कितने होते हैं? 17 ताच्छिल्य होते हैं। अब इसमें से 17 ताच्छिल्य में यदि अपन वन बाई वन पढ़ें, लेकिन पहले उससे पहले अपन ताच्छिल्य का मतलब समझते हैं। देखो ताच्छिल्य जो शब्द बना है वो कैसे बना है? तत् प्लस शील, यानी कि तत् मतलब उसके जैसा, शील यानी स्वभाव, है ना। तो ताच्छिल्य मतलब क्या हो गया? उसके जैसा स्वभाव। जैसे अपन कहते हैं ना किसी द्रव के एक धर्म के समानता दूसरे द्रव का भी ज्ञान हो जाना। जैसे कि यह शीत है यानी कि यह ठंडा है, ठीक है। यह पानी ठंडा है इसका मतलब जो दूसरा पानी भरा हुआ है पास में वो क्या होगा? गर्म होगा। तो ये शब्द इस ताच्छिल्य ताच्छिल्य है वो समझा रहा है अपने को, यानी एक ऐसा है तो दूसरा वैसा होगा, ठीक है। तो ये चीज की कौन समझाता है अपने को? ताच्छिल्य समझाता है। तो इसी प्रकार अपन कितने 17 ताच्छिल्य पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में क्या या तो दो तीन देकर पूछ लेता है, दो नंबर में पूछ लेता है कोई भी ताच्छिल्य, या फिर पांच नंबर में दो चार कोई भी ताच्छिल्य बताइए आपके हिसाब से, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यदि अपन इसको समझे तो सबसे पहले 17 ताच्छिल्य में से फर्स्ट वाला तो ताच्छिल्य, यानी ये ताच्छिल्य है वो खुद भी एक तरह का क्या है? ताच्छिल्य, ठीक है। तो ताच्छिल्य का मतलब जानती हो आप, एक का पता लगने पर दूसरे का ज्ञान हो जाना, ये क्या कहलाता है? ताच्छिल्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिख रखा है? गुण स्वभाव या प्रकृति की समानता को ताच्छिल्य कहते हैं, ठीक है। जो गुण और स्वभाव या प्रकृति में समानता दर्शाए उसको क्या कहते हैं? ताच्छिल्य कहते हैं। जैसे मैं बात करूं कि सोए व्यक्ति में संवेदना नहीं होती है, यानी जो सो रहा है उसमें संवेदना थोड़ी हो, कॉन्शियस नहीं होता है। उसी प्रकार क्या होता है कि सुप्त अंग भी क्या होता है? वो भी कॉन्शियस नहीं होता है। जैसे पांव सो जाता है ना कई बार, तो वही चीज बता रहा है कि सुप्त अंग है वो भी क्या होगा? इनकॉन्शियसनेस होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें उपमा देते हैं अपन, है ना। उपमा देना जैसे कि उपमा अपन देते हैं कि तेरा चेहरा चांद के जैसा है, उसी तरह की बात यहाँ पर उपमान प्रमाण के समान ताच्छिल्य होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली आपको याद रखना है कंपेयर करना किसी चीज को, क्या कहलाता है? ताच्छिल्य कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट ताच्छिल्य ताच्छिल्य हो गया। फिर सेकंड ताच्छिल्य की बात करें तो ये क्या होता है? अवयव। अब अवयव क्या है कि विषय के एक अंश का वर्णन करने से, किसी भी सब्जेक्ट का यदि एक अंश कोई भी टॉपिक का वर्णन कर रहे हैं उससे क्या है कि दूसरा जो नहीं कह रहे हैं, जो वर्णन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ अवयव समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन दूसरी चीज का वर्णन थोड़ी कर रहा हूँ, है ना, लेकिन उसका ज्ञान हो जाना ये क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। यानी एक चीज मैंने आपको समझाई लेकिन यहाँ पर दूसरी जो नहीं बताई उस चीज का भी यदि ज्ञान हो जाना ये क्या कहलाता है? अवयव ताच्छिल्य कहलाता है, ठीक है। ये दूसरा टाइप हो गया ताच्छिल्य का। अब जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल दो, जैसे मैं कहूंगा लंघन से स्वास्थ्य का प्राप्त होती है, यानी लंघन करवाते हैं अपन, लंघन और भ्रंगण है ना, चिकित्सा होती है। तो लंघन करवाना यानी कि उसको फास्टिंग करवाना है ना, या लाइट भोजन पर रखना, तो इससे क्या होगा? स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। लेकिन अपन इसका अपोजिट सोच सकते हैं यार, लंघन नहीं करवाएंगे, अलंघन करवाएंगे तो अस्वस्थ अनहेल्दी होगा, ठीक है, या उसको डिजीज हो जाएगी। इस चीज से अपने को जो नहीं कही वो चीज भी अपने को समझ में आ गई। अब अपन नेक्स्ट ताच्छिल्य की बात करें वो होता है विकार। विकार का अर्थ क्या समझते हैं यहाँ पर? विकृति। विकार से क्या लेना चाहिए? विकृति, ठीक है। कोई भी द्रव्य जब अपने वास्तविक गुण को खो देता है या प्रकट नहीं करता है तो वो चीज क्या हो जाएगी? विकृति कर देगा। तो ये चीज क्या होगी? विकृति या विकार, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं ना कि दोष जब तक साम्य अवस्था में है तब तक क्या होगा? व्यक्ति हेल्दी होता है या वो अपने प्राकृत कर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही वो साम्य अवस्था से खो दे या वृद्धि या क्षय हो जाता है तो वो क्या करेगा? रोग का कारण करवाएगा, तो ये विकृति करेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से समझ सकते हो। फिर वापिस मैं बात करूँ यहाँ पर सामीप्य की, तो सामीप्य में क्या होता है कि ग्रंथ, जैसे कि मैं बात करूँ कि घृत और तेल है ना अपने स्नेह गुण के कारण समान होते हैं, यानी कि दो चीजें सिमिलर है ना, उनके गुण धर्म क्या है वो सेम है। जैसे कि घृत भी क्या करता है? स्नेहन करवाएगा। तेल भी क्या करवाता है? स्नेहन करवाता है। तो ये दोनों चीजों में सिमिलरिटी है, वो चीज क्या कहलाएगी? सामीप्य कहलाती है, ठीक है। तो ये एक तरह का ताच्छिल्य हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट ताच्छिल्य की, तो भूयस्थ। भूयस्थ क्या होता है? जिसमें अधिकता हो, है ना। जैसे किसी द्रव के गुण कर्मों को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, जैसे मैं घी और तेल की बात करूँ तो स्निग्धता को बढ़ाने वाले होते हैं, है ना। कहते हैं ना मूर्ख के पास मूर्ख बैठता है तो मूर्खता बढ़ती है, ज्ञान के पास ज्ञानी बैठता है तो ज्ञानत्व के गुण में वृद्धि होती है। उसी टाइप का कॉन्सेप्ट ये क्या होता है? भूयस्थ होता है ना, जो कि अधिकता करवाता है। जैसे मैं तेल और घी को मिला दो स्निग्धता और बढ़ा देंगे दोनों,
त्रिभुज तो हो गया। अब नेक्स्ट तत्चली की बात करूं प्रकार। अब प्रकार क्या होता है कि उसी के समान गुण धर्म वाला दूसरा द्रव्य, जैसे मैं एरंडनाल ले लूं तो उसको क्या, एरंडनाल या कोई भी चीज ले लो आप, उसको टंग पर क्या करोगे, स्पर्श यानी टच करोगे तो क्या होगा, वोमिट जैसा होगा, राइट। सो वोमिट जैसा हो रहा है तो इसी तरह मैं किसी दूसरी चीज को भी स्पर्श कराऊंगा या टच करूंगा तो भी तो वोमिट टाइप ही होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे रखा है, पुराने समय में जो एरंड की नाल होती थी है ना, उसको यदि टंग पर स्पर्श करते थे तो वोमिट जैसा होता था, है ना। तो उसी प्रकार यदि मैं कमल नाल को भी करूंगा या अंगुली से भी कण जो अपना टंग है वहां पर स्पर्श करूंगा तो वोमिट टाइप होगा। तो ये कोई भी चीज जो एक प्रकार है वो दूसरी उसी प्रकार की चीज वही काम करेगी, ठीक है, वो कर्म गुण में समान होता है। तो ये चीज क्या कहलाएगी, प्रकार कहलाएगी। तो इसके लिए एग्जाम्पल से आप वो चीज याद रखना, ठीक है, प्रकार हो गया। अब बात करते हैं गुणी गुण। गुणी गुण विभव क्या होता है कि गुणी के समान गुण वाले द्रव्य सेवन करने से जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, गुणी गुण विभव कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे के पूछू तो गुणी और गुण क्या होता है पहले तो आप ये बताओ। तो देखो यहाँ पर मैं बताऊंगा गुणी क्या होगा, जो गुण को बढ़ाएगा। जैसे मैं बात करूं मांस की वृद्धि करवाने के लिए क्या खाऊंगा मैं, मांस, है ना। मांस यदि मुझे, यदि कोई कृष व्यक्ति है उसमें मांस की कमी हो गई है ना, मांस वाले व्यक्ति मांस की कमी हो गई तो उसको क्या खिलाऊंगा मैं, मांस करूँ, तो वो वाले गुण किस में पाए जाते हैं, मांस में पाए जाएंगे। तो वही क्या हो गया, गुणी हो गया। तो देखिए जैसे वही बात कर रहा है कि गुणी के समान गुणों वाले द्रव्य सेवन करने से जो भाव उत्पन्न होते हैं वो गुणी गुण विभव कहलाते हैं। ये एक तरह का ताचिल है, जैसे मांस के सेवन से समान गुण होने से समान गुणी होने के कारण मांस की वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। फिर मैं बात करूँ सशक्तता के, तो इसके अर्थ में क्या आते हैं, क्या चीज समझेंगे, अत्यधिक समानता या निकटता के आधार पर, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है ना। तो क्या होगा, कुछ अल्प गुणों में समानता में रहते हुए भी द्रव का वर्गीकरण उसके प्रधानता प्रधान गुण के आधार पर किया जाता है। यदि क्लासिफिकेशन करना है ना, सिमिलरिटीज है बट उसमें जो स्पेशल कैरेक्टर है उसके बेसिस पर अपन उसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ओके। जैसे मैं बात करूं कि मधु में कषाय रस भी होता है, यानी कि मधु में अपन रस बहुत सारे होते हैं लेकिन जो अपने को महसूस सबसे ज्यादा होता है वो कौन सा होता है, फील कर पाते हैं वो कौन सा होता है, मधुर रस। उसी तरह मैं बात करूं हरड़ की, हरित की, तो उसमें भी सारे रस होते हैं है ना, लेकिन लवण रस अब्सेंट होता है, लेकिन उसमें एक जो अपन रस का ज्ञान होता है वो अलग ही रस का होता है। उसी तरह मैं बात करूं आमल की, तो आमल की में क्या हो रहा है कि यहाँ पर सारे रस अवेलेबल है लवण को छोड़ के, लेकिन वहां पर जो अपने को महसूस होता है या अपन फील कर पाते हैं वो कौन सा, अम्ल हो गया है ना, खट्टा लगता है अपने को, तो वो चीज़ है। यहाँ पर सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। फिर मैं बात करूँ तद्धर्मता, तो इसमें क्या है, समान गुणधर्म का होना, यानी उसके गुणधर्म भी क्या होते हैं, सिमिलरिटी। जैसे मैं बात करूँ कि यम, यम मतलब होता है अकुशल वैद्य, या जो वैद्य तो बन चुका है लेकिन उसने प्रैक्टिकल नहीं किया, शास्त्र का ज्ञान नहीं किया, ये चीज क्या कहलाती है, यम कहलाती है ना। जो परफेक्ट नहीं है डॉक्टर उसकी बात कर रहा है। फिर बात कर रहा है इसके ही कंपेयर बात की इसने रोगाभिसार। रोगाभिसार क्या होता है कि जो बिना डिग्री के जो छोला छाप डॉक्टर होते हैं उसके लिए वर्ड यूज कर रखा है रोगाभिसार। तो ये दोनों टाइप के जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, प्राण नाशक करवाएंगे, यानी कि जो पेशेंट है उसके प्राण घातक करवा देंगे, है ना, मारने जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों के गुणधर्म सेम है, तो ये चीज क्या कहलाती है, तद्धर्मता कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की, तो स्थान, स्थान क्या है कि स्थान और स्थानीय, है ना, स्थान से स्थानीय और स्थानीय से स्थान का ज्ञान होगा। जैसे अपन पहले अपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है आश्रय आश्रय भाव, तो यहाँ पर आश्रय आश्रय भाव वाले ही कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बात करूँ आंख से, है ना, नेत्र है, चक्षु है, तो चक्षु से रूप ग्रहण करना, है ना, कोई भी चीज देख रहे हैं तो वो क्या करते हैं, अपन ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो वास्तव में चक्षु रूप नहीं ग्रहण करते, चक्षु थोड़ी वो जो आंख है मेरी, ये आई है, आई बोल है, ये थोड़ी ये कर रही है, जो इसमें नर्व है ना, ऑप्टिक नर्व, वही तो उसको सेंसेस करके ले जा रही है कि क्या है ये, क्या देख रहा हूं मैं, क्या है ना, वो ब्रेन को दे रही है। तो यही चीज यहाँ पर है कि स्थान है ये, तो जो मेरी आई बोल है वो तो एक स्थान है पहले से, है ना, जहां से उस रूप को ग्रहण किया जा रहा है, लेकिन वो सेंस है उसका, नॉलेज है वो कौन करवा रही है, उसकी जो नर्व है वो, यानी कि स्थान जो स्थानीय है ना वो। जैसे एक बात कर रखा चक्षु से रूप का ग्रहण करना, वास्तव में चक्षु रूप नहीं ग्रहण करती क्योंकि यहाँ तो यह क्या है, स्थान है, अपितु तो रूप ग्रहण करने का कार्य कौन करती है, चक्षु में स्थित इंद्रिय करती है, ठीक है। चक्षु क्या हो गया, यहाँ पर स्थान हो गई, जबकि चक्षु इंद्रिय वो स्थानीय हो गई, ठीक है। फिर बात करते हैं तात्थर्थ्य की, कि तात्थर्थ्य क्या होता है कि जो द्रव्य जिस क्रिया को करता है ना, जो भी वो फंक्शन कर रहा है, ठीक है, कोई भी आपने द्रव्य ले लिया तो वो जिस क्रिया को करता है उसी के बेस पर उसका नामकरण करना, है ना। तद प्लस अर्थ,
यानी कि उसी के अनुसार उसका अर्थ लेना है, उसको नोमेनक्लेचर करना है ना, जो काम कर रहा है उसी के बेस पर कर लेते हैं ना। जब भी आप नोमेनक्लेचर पढ़ोगे किसी भी द्रव का, तो वहां पर एक नियम ये भी आएगा, रूल ये भी आएगा कि यानी, तो ये एक तरह की तात्सल्य है ना, यानी जो फंक्शन कर रहा है उसी के बेस पर आप नोमेनक्लेचर कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, तात्थत्य हो गया। यानी कि वमन जो भी करवाते हैं उनको मदन फल, जैसे मदन फल वमन कारक होता है, तो ये इसको क्यों लिया, क्योंकि इसका फंक्शन है वमन करवाना, इसीलिए इसको वामक दे दिया। ठीक है, फिर साहचर्य सिमिलर है ना, अध्ययन निकटता आ जाए, जैसे कहते हैं ना अपन, फिर जहां जहां धूम होगा वहां वहां अग्नि होगी, यानी दोनों का एक साथ रहना। जैसे धूम यानी जहां पहाड़ में यदि धुआं निकल रहा है ना, धुआं निकल रहा तो वहां अग्नि होगी सही, बिना अग्नि के धुआं थोड़ी निकल सकता। तो ये दोनों चीजें जहां पर एक साथ रहती है, साथ साथ रहने का गुण है, वो क्या कहलाता है, साहचर्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं दूसरा भी एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे एक साथ साथ रहने का क्या, अपन और भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वैसे उस जो साथ साथ रहने का जो गुण है वो क्या कहलाता है, व्याप्ति कहलाता है, और व्याप्ति है वो क्या कहलाती है, साहचर्य कहलाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कर्म की, बात करें तो कर्म क्या है, कि किसी भी कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्म न अन्यत अपेक्षते, मीन्स कोई भी कर्म या कोई भी प्रोसेस जो कर रहे हो आप, है ना, जो भी चीज कोई भी कार्य कर रहे हो, तो वो किस में आएगी, सारी कर्म में आएगी। ये संयोग विभाग का अन्य कारण, संयोग विभाग का कारण होता है, अन्य की अपेक्षा नहीं रखता है, ये आप डेफिनेशन में पढ़ चुके होंगे चरक सूत्र स्थान पृष्ठ में। ठीक है, और पदार्थ विज्ञान में भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, संयोग से विभाग से कर्म, कर्म न अन्य अपेक्षित है ना, वो वाली जो डेफिनेशन है वो ये है इसमें। बाकी जो नेक्स्ट बात करें तो गुण निमित्तता, गुण निमित्तता क्या होती है, कि गुणों के कारण गुणों के अनुरूप फल प्राप्त होना, गुण के कारण जो गुण के अनुरूप जो फल प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाती है, गुण निमित्तता ताच्छल्य कहलाती है। जैसे मैं बात करूँ धार्मिक कार्यों से क्या होता है, हर्ष की प्राप्ति होना, है ना, जैसे धार्मिक काम करते तो अपने को हैप्पीनेस होता है, आपने कुछ डोनेट किया, यानी कि ब्लड डोनेट करने के बाद भी आपको हैप्पीनेस होगी, है ना, आपने पैसा डोनेट किया या किसी को धार्मिक कार्यों में लगाया है, तो आपको एक हैप्पीनेस होती है इंटरनल, है ना, वही चीज क्या कहलाती है, गुण निमित्तता, यानी गुणों के कारण जो गुण के अनुरूप फल प्राप्त हो रहा है, जो आपको फल प्राप्त हो रहा है उसी के अनुसार गुण निमित्तता होती है। ठीक है, फिर चेष्टा निमित्ता, एक तो हो गई गुण निमित्ता, फिर चेष्टा निमित्ता, यानी चेष्टा निमित्ता क्या कहती है, कि केवल चेष्टा या कर्म में समानता के आधार, इसमें चेष्टा मतलब वही जो कर्म कर रहे हैं ना, चेष्टा मतलब क्या है, यहाँ पर लिख रखा है प्रयत्न पूर्वक किए गए कार्य को चेष्टा कहते हैं, यानी फंक्शन ही है दोनों, है ना, चेष्टा। तो फंक्शन के आधार पर वस्तुओं को एक ही वर्ग में रखना, मैं बात करूं जैसे कि अंधकार को नष्ट कौन करता है, सूर्य की किरणें, तो सूर्य क्या हो गया यहाँ पर, चेष्टा निमित्ता, यानी कि उसके दूसरे के कार्य को नष्ट कर रहा है ना। तो जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, मैं डेफिनेशन में क्या बोला, कोई भी फंक्शन के बेस पर वस्तुओं को एक ही वर्ग में रखना। ठीक है, जैसे ज्ञान और दीपक दोनों अंधकार को नष्ट करते हैं, ज्ञान और अंधकार, है ना, ज्ञान अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, ज्ञान और दीपक जो दोनों अंधकार को नष्ट करते हैं, ज्ञान प्राप्त होने का पर भी अपना जो अंधकार होता है, दिमाग में ऐसी चीजें होती है वो सारी नष्ट हो जाती है, दोनों सिमिलर वर्क है ना, तो ये चेष्टा निमित्ता में आ गया। फिर मैं बात करूँ मूल संज्ञा की, तो किसी शब्द का प्रचलित अर्थ से अलग दूसरे अर्थ में प्रयोग करना। ठीक है, जो प्रचलित अर्थ है वो ना लेकर किसी दूसरे अर्थ का, जैसे मैं रूप की बात करूँ तो रूप का मतलब क्या होता है, रंग या किसकी बनावट, है ना, या मुख की आकृति, ऐसे ले सकते हैं, बट यहाँ पर अपने आयुर्वेद में बिल्कुल ही डिफरेंट ले लिया इसका अर्थ, है ना, उसको मूल संज्ञा बोले, जो मूल शब्द था और उसका अर्थ था वो नहीं लेकर कुछ दूसरा अर्थ ले लिया वहां पर। जैसे मैं बात करूँ आयुर्वेद में रूप शब्द से अपन क्या लेते हैं, जैसे पंच निदान में भी आता है रूप, है ना, पंच निदान पढ़ते हो आप या आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा पंच निदान क्या होता है, तो वहां पर रूप आता है, यानी कि लक्षण क्या है इसके, है ना, तो वहां पर बिल्कुल अलग ले लिया, रूप का मतलब भी बिल्कुल अलग ले लिया, तो वो क्या आ जाएगी, मूल संज्ञा कहलाई। फिर तातस्थ्य क्या होता है, तत् प्लस तस्थ, यानी कि उसी के स्थान पर रहना। मैं बात करूं जैसे वस्तु के लक्षण प्राप्त न हो, यानी कि किसी की लक्षण प्राप्त न हो रहे, फिर भी यह मानना कि वस्तु वही उपस्थित है। जैसे मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, व्याधि के लक्षण नहीं मिल रहे हैं, है ना, कोई भी डिजीज के लक्षण नहीं मिल रहे, फिर भी यह मानना कि व्याधि है, क्या कह रहे हो, कोई डिजीज के लक्षण नहीं मिल रहे फिर भी आप क्या कह रहे हो, नहीं डिजीज है, ये चीज क्या कहलाएगी, तातस्थ्य कहलाएगी। जैसे मैं बात करूँ मूत्र आदि वेग के, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, कोई वेग थे अपन ने अधारणी वेग पढ़े थे 13 प्रकार के, वो वेग क्या कहते हैं, धारणों उपरांत, यानी है ना, उनको धारण कर दिया उसके उपरांत या बाद में क्या हो रहा है, बस्ती प्रदेश में वेदना। जैसे मैं बात की, मैंने यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल लिया 13 नहीं लिए, मूत्र वेग को रोक रहा हूँ, तो उसके बाद क्या हो रहा है, बस्ती प्रदेश में वेदना,
न होने पर भी बस्ती शोधन कराना चाहिए, या आपके जैसे आपने रोक लिया लेकिन उसके बाद बस्ती में पेन नहीं हो रहा, यानी कि यूरिनरी ब्लेडर में क्या हो रहा, पेन नहीं हो रहा, फिर भी आपको क्या करना है, बस्ती शोधन कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही कह रहा है कि वस्तु के लक्षण प्राप्त न हो या कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा, फिर भी आपको क्या मानना चाहिए कि नहीं है। जैसे आपने अधारणी वेग में पढ़ा है, अधारणी वेग को रोकेंगे, धारण करेंगे तो रोग होगा ही सही, लेकिन रोग के लक्षण नहीं दिख रहे, फिर भी क्या करना है आपको, वहां पर उसकी शुद्धि करवानी। तो ठीक है, ये